चीन में इन दिनों बिजली का गंभीर संकट चल रहा है। कोयले की कमी की वजह से चीन के पावर प्लांट में बिजली नहीं बना पा रही है, जिससे चीन में फैक्ट्री के साथ साथ लोगों के घरों में दी जाने वाली बिजली का भी संकट खड़ा हो गया है। कुछ इसी तर्ज पर भारत में भी कोयले की कमी महसूस की जा रही है। कोयले की कमी की वजह से भारत के कई पावर प्लांट में बिजली का उत्पादन ठप पड़ने की आशंका है। इसके बाद देश की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी कॉल इंडिया लिमिटेड सरकार के निशाने पर आ गई है। केंद्र की मोदी सरकार बार बार कॉल इंडिया को चेतावनी दे रही है कि बिजली बनाने वाले संयंत्र में कोयले की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। कोयले से बिजली बनाने वाले संयंत्र में कोयले की किल्लत की वजह से बिजली के उत्पादन पर असर पड़ रहा है। आशंका है कि बिजली उत्पादन ठप होने की वजह से भारत में भी चीन जैसा बिजली संकट पैदा हो सकता है। देश में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। जून के बाद से देश में बिजली की पिंक डिमांड 200 गीगावाट को पार कर गई है। इसके उलट कॉल इंडिया लिमिटेड से कोयले को प्रोडक्शन और डिस्पैच लगातार गिर रहा है। इस वजह से देश के सभी पावर प्लांट में कोयले की कमी देखी जा रही है। इससे पहले 21 अगस्त को खबरें आई थी कि देश के 57 पावर प्लांट को कोयले की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से 5 पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक है और वह बिजली बनाने के लिए कोयले की रोजाना आपूर्ति पर निर्भर है। 6 पावर प्लांट में एक दिन का बफर स्टॉक है, जबकि 15 पावर प्लांट में 3 दिन की इन्वेंटरी थी।